दिल्ली में पानी का भीषण संकट है और उधर पानी सप्लाई करने को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। हालांकि इस मुद्दे पर हिमाचल सरकार के अलग अलग बयानों में विरोधाभास को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुआ, लेकिन अब उसने इस मसले को हल के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड को सौंप दिया है। दिल्ली सरकार को वहाँ जाने के लिए कहा है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत भयानक बनी हुई है, टैंकर माफिया को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और उधर मुनाक नहर जिससे दिल्ली को पानी सप्लाई होता है हरियाणा से, उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह आरोप लग रहा था कि टैंकर माफिया मुनाक नहर से पानी चोरी कर कई इलाकों में मनमाने दामों पर बांट रहे हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बवाना में मुनाक नहर पर पानी की पहरेदारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली को जो पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा हरियाणा के रास्ते इसी नहर से आता है। दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसी के पानी पर निर्भर हैं। यहां पर टैंकर माफिया के सक्रिय होने की और नहर से पानी चुराने की बात सामने आ रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसके बाद LG ने दिल्ली पुलिस को टैंकर से पानी चोरी रोकने के निर्देश दिए और बुधवार रात से ही नहर के पानी की निगरानी के लिए दिल्ली के 4 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है, यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। वही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और दिल्ली वालों को तब निराशा हाथ लगी जब हिमाचल प्रदेश ने साफ कर दिया कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 137 क्यूसेक पानी नहीं है, जबकि पहले उसने हामी भरी थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि हिमाचल के वकील ने मौखिक तौर पर कहा कि वो पानी छोड़ने को तैयार है। लेकिन गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ऐसे रुख पर फटकार लगाई, पूछा आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश ने अपने हलफनामे में गलती के लिए माफी मांगी और दूसरा हलफनामा दायर करने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यों के वाटर शेयर एग्रीमेंट मामलों का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले में कोई राय नहीं बना सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि शुक्रवार को बैठक बुलाए और मानवीय आधार पर दिल्ली को पानी देने पर जल्द से जल्द फैसला करे। पानी की पूरी पूरी किल्लत है, पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम पे आ रहा है, लेकिन कब आता है कब नहीं आता। और अगर ये प्याऊ ना हो तो कम से कम हजारों आदमी इस प्याऊ से पानी अपना पीते भी हैं, और प्लस ये पीछे की लाइन में जो पानी जो बड़ी बोतलें पड़ी हैं, इन पानी इन बोतलों के माध्यम से लोग घर में भर के लेके जाते हैं, घर में भर के लेके जाते हैं, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। कैसे चल रहा काम? मेरे यहाँ पानी की स्थिति बहुत खराब है। पहले तो पानी ठीक आता था, लेकिन अब 2 महीने से जो है पानी में बहुत ज्यादा परेशानी कर रखा है। क्योंकि पहले सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता था और पानी का टाइम भी अच्छा था, 1.5-2 घंटे पानी आता था। अब पानी सुबह या शाम में से 1 टाइम आता है और ये भी नहीं पता कि सुबह आएगा या शाम को आएगा। सब कुछ मौसम पर निर्भर है, बेतहाशा गर्मी का मौसम है, इसलिए कोई भी राज्य दूसरे राज्य को एक बूंद अतिरिक्त पानी देने को तैयार नहीं हो रहा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बरसात आने दीजिए और फिर देखिएगा कि कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य का अतिरिक्त पानी लेने को तैयार नहीं होगा। सब वक्त और मौसम की बात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।